आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका हाँ जी। जी, मनजीत जी कहाँ से बात कर रही हैं? पंजाब से, जगराओं से। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल तो एक बच्चों के लिए करना था, एक अपने बेटे के लिए करना था। डॉक्टर जी जी साहब से बात जी करनी जी बताइए मंजीत जी, आदाब, बताइए। है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? जी जी आप देख रही हैं मुझे? हाँ जी। जी बताइए क्या सवाल है। डॉक्टर साहब, एक तो मेरा बेटा है, 30 साल का है, तो वो ना SR की गोली खाता है, नशे वाली जो होती है, उसका भी कोई फल है आपके पास में? मैं 1 साल से आपसे प्रोग्राम देख रही हूँ, रोज कॉल करती हूँ, मेरी लगती ही नहीं है कभी। अच्छा, और दूसरा सवाल भी कर लीजिए। दूसरा सवाल, मेरे छोटे पोती हैं, वो ना मिट्टी बहुत ज्यादा खाती हैं, जैसे कली की हुई है ना, डिस्टेंपर किया हुआ है, तो वो दंडिया मार मार के सब खा जाती हैं। उनको भी ठीक कैल्शियम की बहुत शीशियां पिलाई हैं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस, और कोई सवाल है? और मैंने अपने लिए भी पूछना था। जी जी बताइए। मेरे को वैसे तो मैं कोई भी दवाई नहीं खाती, 60 साल की मेरी उम्र है, तो मेरा वजन बहुत ज्यादा है, मैं चल नहीं सकती, टांगे कमजोर हैं और ऊपर वाला वजन मेरा बहुत ज्यादा ठीक है ठीक है। है। अच्छा देखिए, जो बच्चा नशा करता है वो जब तक किसी एक अजीम रिश्ते से नहीं जुड़ा होगा, चाहे माँ का हो, बाप का हो, और घर में बड़े लोग होते ना, उनके उनसे बार बार नहीं मिलेगा, जब तक उसका नशा छूटना मुश्किल है। और ये आदत बहुत ख़राब है। माँ बाप हर वक्त रोज़ाना मरते हैं जिनकी औलादें नशा करने लगती हैं, तो मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकता हूँ। और इसके लिए उसको हौसला करना पड़ेगा, और पूरे घर में जितने भी मेंबर हैं एक पूरा प्रोग्राम बनाकर उसको इस तरह डील करें कि वो नशा जब छूट सकता है। जो बच्चियाँ ये खाती हैं मिट्टी, उन पर पाबंदी तो लगानी पड़ेगी, लेकिन कैल्शियम उन्हें दें और डॉक्टर को बताएं कि ऐसे ऐसे ये मिट्टी खाती हैं। डॉक्टर एक दवा देगा जो एक दिन ही खिलानी है, पूरे साल में एक ही दिन। वो उनके जो कीड़े हैं पेट के वो निकल जाएंगे। जिन जो मिट्टी खाते हैं बच्चे, उनके या तो कैल्शियम कमी होती है या कीड़े होते हैं, तो एक एक डोज वो देंगे डॉक्टर, आपके फैमिली डॉक्टर, तो फिर ये मिट्टी खाना छोड़ देंगे, फिर मिट्टी से इन्हें नफरत हो जाएगी। और आपके लिए, आप कहती हैं दवा कुछ नहीं खाती मैं, तो दवा भी खानी चाहिए, और सिर्फ खुराक कम करने से भी आप दुबली पतली हो सकती हैं। देखिए मैं भी बहुत मोटा था, अब बूढ़ा आदमी हो गया हूँ, तो पैदल चलता हूँ धूप में 1 घंटा, और खुराक जो मेरी 4 रोटी की थी तो 2 रोटी खाने लगा, उससे तकरीबन 20 किलो मैं कम हो गया। गर्म पानी 5 बार पीता हूँ, आप भी ये कर सकते हैं, और दवा बतौर आप ले सकते हैं नमक जैतून, जैतून का एक नमक आता है, और 1-2 चुटकी पानी में मिलाकर आप रोज़ाना 1 बार या 2 बार पिया करें, और गर्म पानी खूब पिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है।